नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विनायक दामोदर सावरकर, वो शख्सियत जिन पर लोगों की राय जबरदस्त ढंग से बटी हुई है। एक उनको बेइंतहा पसंद करता है, दूसरा उनको बेइंतहा नापसंद करता है, और नापसंद मुझे लगता है छोटा शब्द है, नफरत करता है। अंडमान की जेल में करीब 10 साल तक काला पानी की सजा काटने वाले सावरकर, उनको एक वर्ग हीरो मानता है, दूसरा वर्ग ऐसा है जो ब्रिटिश राज को दी गई उनकी दया याचिकाओं के आधार पर उन्हें कायर ठहराता है, गांधी की हत्या के पीछे सावरकर की साजिश बताता है। और आज एक बार फिर से सावरकर को लेकर संग्राम छिड़ गया है। इस संग्राम की वजह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका वो बयान जो उन्होंने वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नाम की किताब के विमोचन के मौके पर राजनाथ सिंह ने दिया था। उन्होंने वीर सावरकर के माफीनामे को सुनिएगा। उन्होंने वीर सावरकर के माफीनामे को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर विपक्ष निशाना साध रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने जो दया याचिका रखी थी उसके पीछे कोई और नहीं, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के कहने पर ही सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आज की हुंकार इसी मुद्दे पर कि सावरकर पर सच्चा कौन है। लेकिन मैं चाहती हूं कि पहले आप इस रिपोर्ट को देख लें। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था, कहा आप मर्ची पेटीशन पाएंगे। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे। जेल में रह के ही उन्होंने दया याचिका मांगी, और एक बार नहीं आधा दर्जन बार उन्होंने। विनायक दामोदर सावरकर पर एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया है। इस बार ये विवाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद शुरू हुआ। सावरकर पर एक किताब के विमोचन के दौरान राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दिया जिसके बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। राजनाथ सिंह के बयान के बाद बीजेपी और संघ परिवार पर इतिहास से छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। कितने एग्जाम्पल्स हम देंगे जिससे ये बात साबित हो जाती है ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? वर्धा में। और ये कहाँ थे? सिल्वर जेल में। इनका संपर्क कैसे हो सकता है? जेल में रह के ही उन्होंने दया याचिका मांगी, और एक बार नहीं आधा दर्जन बार उन्होंने मांगे। आज़ादी के बाद एक ऐसा सीडो सेकुलर सिंडिकेट, एक छद्म धर्मनिरपेक्ष ग्रुप और गिरोह बना जिसने कि तमाम महानायकों को खलनायक बना करके देश के सामने पेश करने की कोशिश की। उसके पीछे उनका निहित स्वार्थ था और साजिश थी, और वीर सावरकर को भी ऐसी ही सीडो सेकुलर सिंडिकेट ने खलनायक बना करके पेश किया, और समाज के एक हिस्से में विशेष तौर से मुस्लिम समाज में उनके प्रति घृणा का माहौल पैदा हो इसकी कोशिश की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी सावरकर की माफी के गांधी कनेक्शन की जानकारी होने से इनकार कर दिया। मैंने जो सावरकर के बारे में पढ़ाई थी इसमें ये बात मैंने कभी देखी है। राजनाथ सिंह ने जो कई गप्पे शुरू किया तो कुछ जिससे कहीं वगैरह। सावरकर के निधन के 55 साल बीत चुके हैं, लेकिन इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद सावरकर पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा।
और आपको बता दूं इस पर बातचीत करने के लिए, हुंकार भरने के लिए अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उदय माहुरकर साहब जो आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनफैक्ट जो किताब है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन उसके लेखक हैं और देश के सूचना आयुक्त भी हैं। उदय जी को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभिज्ञान आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सूचना आयुक्त के तौर पर रहे, लंबे वक्त तक पत्रकारिता कर चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सलमान निजामी इस वक्त आपको दिख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अवनिजेश अवस्थी प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। रतन शारदा साहब जुड़ रहे हैं जो कि लेखक हैं। डॉक्टर तस्नीम रहमानी सचिव हैं SDPI के, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि उदय साहब से ये हमारा वादा था कि शुरू के कुछ मिनट जो हैं इस किताब के बारे में एक्सक्लूसिवली उनसे बातचीत होगी, तो मैं बाकी मेहमानों से इजाज़त लेते हुए उनसे अपने प्रश्न को सामने रख रही हूँ। उदय साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि राजनाथ सिंह के बयान को लेकर जो जिस तरीके के अब पॉलिटिक्स होने लगी है, पहले उस बयान की सच्चाई पता लग जाए। क्या ये बयान सच है कि महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने मर्सी पिटिशन फाइल की थी अंग्रेजों के सामने? बिल्कुल सच है। तथ्यों को अगर देखें तो सावरकर ने जो पिटिशन कही जाती है क्लेमेंसी पिटिशन, से कई पिटिशन की थी। 1920 के अंदर उनके समय छोटे भाई थे नारायण राव, वो गांधी जी को मिलने गए थे और गांधी जी ने कहा था कि इनको मर्सी पिटिशन और भी करनी चाहिए, और उसके बाद में भी उन्होंने मर्सी पिटिशन की। इसके लिए बिल्कुल सही बात है। और तो और गांधी जी ने एक लेख में ये भी कहा कि भाई परमानंद नाम के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनको एक ऐसी पिटिशन के आधार पर उनको छोड़ा गया था, तो सावरकर को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट भी गांधी जी ने किया था एक लेख के अंदर। तो जो राजनाथ सिंह जी ने कल कहा बिल्कुल सच है, बिल्कुल गलत नहीं है। ओके, जो ये जो मुद्दा उठा रहा है कि दोनों अलग अलग जेल में थे, उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सावरकर के जो भाई हैं वो मिलने गए थे उनसे, गांधी जी से, सावरकर नहीं गए थे। मेरे पास एक लेटर है, लेटर टू ND सावरकर, और ये प्रधान बापू की तरफ से लिखा लेटर है। ये लेटर जो है लाहौर से मेरे ख्याल से लिखा गया है, January 25, 1920 का। इसमें उन्होंने लिखा है, डियर डॉक्टर सावरकर, आई हैव योर लेटर, इट्स डिफिकल्ट टू एडवाइस यू, आई सजेस्ट हाउएवर योर फ्रेमिंग अ ब्रीफ पिटिशन सेटिंग फोर्थ द फैक्ट ऑफ द केस, ब्रिंगिंग आउट इन क्लियर रिलीफ द फैक्ट दैट द ऑफेंस कमिटेड बाय योर ब्रदर वाज प्योरली पॉलिटिकल। यानी कुल मिलाकर ये पॉलिटिकल आधार पर जो है मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन इसमें पिटिशन है, मर्सी पिटिशन का जिक्र कहीं भी नहीं है। उदय जी, क्या इसी लेटर की आप बात कर रहे हैं? नहीं, पिटिशन मर्सी पिटिशन, ये पिटिशन तो वही पिटिशन, क्लेमेंसी पिटिशन। उस टाइम पे जो कैदी होते थे वो पिटिशन करते थे कि हमको छोड़ो आप। वो सावरकर ने भी जो पिटिशन किए खुद के लिए नहीं किए, सबके लिए किए उन्होंने। जो भी पिटिशनें हुई हैं सावरकर ने, एक पिटिशन तो ऐसी भी है उनकी कि मेरे लिए अगर आप दूसरों को नहीं छोड़ रहे हो तो मुझे रहने दो, दूसरों को छोड़ दो। तो हमें इस तथ्य में उतरना चाहिए कि बार बार ये सावरकर को डेमोनाइज करने का प्रयत्न क्यों होता है, दैट इज द रियल डिबेट। ये इसलिए होता है कि सावरकर हमारी एकता और अखंडता के सब में बड़े प्रतीक हैं। उदय जी, आरोप और इसे उनकी छवियों कैसे खंडित करना जी, आरोप ये लग रहा है कि जो राइट विंगर्स हैं वो हिस्ट्री को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। आरोप ये है कि आने वाले वक्त में आप लोग वीर सावरकर को नेशन ऑफ फादर घोषित कर देंगे, ऐसे मरोड़ देंगे हिस्ट्री। ये तो ओवैसी कह रहे हैं ना। तो ओवैसी अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी अपनी खुद की फैमिली की हिस्ट्री देखे ना, उनके जो दादा थे एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए थे जिसने ऐसे अत्याचार किए जो आप सोच नहीं सकते हिंदू प्रजा के ऊपर हैदराबाद स्टेट के अंदर। तो वो पहले उसकी बात करें ना, हिस्ट्री की क्यों, वो तोड़ मोड़ क्यों नहीं, पहले खुद की हिस्ट्री वो पेश करें देश के सामने कि उनकी फैमिली की हिस्ट्री क्या है, उनके दादा कौन थे, MIM उनकी जो पार्टी है ऑल इंडिया MIM उसका रोल क्या था पहले, उसकी हिस्ट्री पहले उजागर करें, वो उसको एक्सेप्ट करें। जो निजाम का, जो रजाकारों का जो अत्याचार हुआ हिंदुओं पे, उसमें जी ये लोग चिढ़ते क्यों हैं? नहीं, मेरा आपके थ्रू मेरा प्रश्न असदुद्दीन ओवैसी साहब से, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये प्रश्न करता हूं कि उनकी फैमिली हिस्ट्री उसके बारे में उनका क्या कहना है। नहीं, पॉइंट है, सवाल रहा सावरकर का और गांधी जी का, जरूर
हाँ बिल्कुल, सावरकर और गांधी जी की बात है तो सावरकर और गांधी जी जरूर, उनकी दोनों की धाराएं अलग थी, विचारसरणी अलग थी कि दोनों, लेकिन एक दूसरे के एक तरीके से पूरक भी थे। सावरकर जी का स्टेटमेंट है कि जो भी देश के लिए योगदान दे रहा है सबका मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ऐसा सावरकर जी का स्टेटमेंट है। उदय जी, 1940 के दशक में आरोप ये लगता है कि सावरकर ही थे जिन्होंने बकायदा इस पूरे षड्यंत्र को रचा था, इस आइडियोलॉजी को, इस आइडिया को आगे बढ़ाया था कि बापू अब हमारे बीच नहीं रहने चाहिए, उनका कत्ल हो जाना चाहिए। इस आरोप पर आप कैसे सफाई देंगे? ये बिल्कुल, इसमें 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 एक इंच भी तथ्य नहीं है। ये पूरी मनगढ़ंत पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थी और कॉन्स्पिरेसी के पीछे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसा हमारी रिसर्च में से बाहर निकल के आता है। इसको हमने एड्रेस किया है हमारी किताब के अंदर तथ्यों के आधार के ऊपर, उसमें यह निकल के आता है कि सावरकर पूरी तरीके से इनोसेंट थे, उनको एक तरीके से इम्प्लिकेट किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट मेंबर्स को ये कहा था कि सावरकर भले डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं हो के, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी के वजह से ही गांधी जी की हत्या है, तो उनको तो एक्यूज बनाना ही चाहिए। और इसमें बड़गे जो थे, बड़गे जिनके आधार पे सावरकर जी को इम्प्लिकेट किया गया, दिगंबर बड़गे करके एक एक्यूज थे, वो उसमें अप्रूवर बन गए थे। मनोहर मालगांवकर नाम के एक बहुत बड़े लेखक हो गए जिन्होंने किताब लिखी थी गोडसे पे, द मैन हु किल्ड गांधी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं एक बड़गे को मिलने गया उनकी रिहाई के बाद, बड़गे ने उनसे कहा कि मैंने पुलिस और शासन के प्रेशर में आके स्टेटमेंट दिया था सावरकर के विरुद्ध में, बाकी सावरकर इनोसेंट थे। आप जाएं उससे पहले मेरे बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने सावरकर को जी बाबा साहब अंबेडकर ने सावरकर जी को उस दौर में बहुत सपोर्ट किया। तो फिर चिढ़ने की वजह क्या है? तो फिर क्यों सावरकर से ये जो तबका है, ये जो वर्ग है, वो इतनी नफरत करता है? नापसंद शब्द मैं छोटा समझती हूँ, नफरत करता है और वो नफरत दिखती है, क्या वजह है, क्यों? उसका कारण है कि मुस्लिम तुष्टिकरण पॉलिटिक्स पे ही भारत का पॉलिटिक्स चला है गए 100 साल के अंदर। मुस्लिम एपीजमेंट पॉलिटिक्स, मुस्लिम एपीजमेंट पॉलिटिक्स के समय जो अगर विरोधी थे वो थे वीर सावरकर। इसके लिए जो लोग भारत को विभाजित देखना चाहते हैं अपने आइडियोलॉजिकल कारणों सर या तो अपने पॉलिटिकल नीड्स के कारण, वो सावरकर, उनको डर ये रहता है कि अगर सावरकर देश के नायक बन गए, हमारे नई पीढ़ी के नायक बन गए, तो उनका जो षड्यंत्र है, उनकी जो मंसूबे, वो नष्ट हो जाएंगे। उदय जी, क्या वीर सावरकर मुसलमानों के अगेंस्ट थे? वो मुसलमानों को नापसंद करते थे या वो मुस्लिम अपीजमेंट को नापसंद करते थे? दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, वो मुस्लिम अपीजमेंट को नापसंद करते थे, वो कट्टरवादी मुसलमान को नापसंद करते थे। बाकी उनका जो हिंदू मैनिफेस्टो है उसमें लिखा है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी जाति सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक जो हमारे हैं उन पे अगर कोई अत्याचार होता है, उनकी पूजा अर्चना में बाधा डलती है, तो वो उनपे अगर उनके ऊपर अगर उनकी पूजा अर्चना में अगर कोई बाधा डलती है तो स्टेट स्टेप इन करेगी और इंश्योर करेगी वो अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से कर पाएं। लेकिन साथ में एक वार्निंग देते हैं, वो कहते हैं द नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनोरिटीज़म। और यही 70 साल की देश की कहानी है। आप देखिए 1947 के अंदर जो भारत का विभाजन हुआ उसका दो कारण थे, एक था मुस्लिम लीग का कम्युनल कैंपेन और दूसरा था कांग्रेस की वीक पॉलिसी। और इसीलिए आपको लगता है विभाजन के बाद सिर्फ 10 साल के अंदर जवाहरलाल नेहरू, हाँ उदय जी, इसीलिए आपको आप मेरी बात सुनिए मेरी, ओके ओके, 10 साल के अंदर ही 1957 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को केरला मुस्लिम लीग के साथ में एक अलायंस उन्होंने फोर्ज किया। मतलब जिस पार्टी ने भारत का विभाजन कराया था उसी पार्टी को 10 साल के अंदर उन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टनर बना लिया। और इसीलिए आपको लगता है कि ये जो वर्ग है वो सावरकर के खिलाफ है और आप अभी भी इस बात से स्टैंड करते हैं कि राजनाथ सिंह ने जो कहा है वो उनका, उनका, के उनका, पर उनका, है, उनका टारगेट वो बड़ा ही नहीं उनका बिल्कुल ओके। उदय जी, हमने ये किताब सावरकर का जो प्रिंसिपल था राष्ट्र प्रथम उस भावना से लिखी है, इसमें कोई भी तथ्य कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। ओके उदय जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।
तो वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के लेखक, सूचना आयोग देश के रहे लंबे अरसे तक, पत्रकारिता से जुड़े रहे और इस वक्त वो हमारे साथ थे जिन्होंने साफ तौर पर चीज़ों को, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दिया, सलमान निज़ामी। और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी है। रहमानी साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी और आपको भी कुछ कहना होगा। पहले मैं चाहती हूँ आप अपनी बात रखें और उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। और अच्छी बात यह है कि आज जो पैनल हैं वो तमाम वो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं जो अपनी बातों को कहना भी जानते हैं और दूसरों की बातों को सुनना भी जानते हैं, तो मुझे लगता है डिबेट एक अच्छे लेवल पर जाएगी। हाँ, डॉक्टर रहमानी, देखिए ये जो बातें अभी उदय जी बोल रहे थे ये सब बहुत पुरानी बातें हम सुनते रहे हैं और किताब लिखने का तो कोई मसला ही नहीं है, जब जो चाहे लिख दे। लेकिन एक बात ये बहुत साफ वाजे हुई कल के इस बयान से राजनाथ सिंह जी के ये पूरी पार्टी और पूरी जमात आरएसएस की अपोलोजेटिक है सावरकर के मामले में, और ये बात तस्लीम कर ली उन्होंने कि वो एक माफीनामा देकर आए थे। इसका इकरार ये शायद पहली बार किया गया, वरना पहले ये इधर उधर की बातें करके बहानाबाजी करके क्या करते थे कि नहीं नहीं उन्होंने कोई माफीनामा नहीं दिया था, लेकिन कल इसका एतराफ़ कर लिया। अब वो उन्होंने गांधी जी के कहने पे किया या बगैर, गांधी जी तो उनके आइडियल बाद में तो आइडियल नहीं थे, अगर गांधी जी आइडियल उस वक्त थे कि उनसे मशवरा लेके माफीनामा दे रहे थे तो फिर गांधी जी की पूरी लाइन टोक कर लेते वो उस वक्त भी, तो वो तो उन्होंने की नहीं इसी मामले में मशवरा लिया। लेकिन मशवरा लिया या नहीं लिया मेरा पॉइंट ये नहीं है, उनके अपनी एक पर्सनैलिटी थी वो खुद फैसला कर सकते थे, लेकिन ये है, ये यकीनी फैक्ट है कि वो माफीनामा देकर आए। इसको आज इस सारे देश को तस्लीम करना चाहिए कि अंग्रेजों के खिदमत में माफीनामा पेश किया और उसके बाद उनसे तनख्वाह भी लेते रहे, और उसके बाद आप उन्हें वीर कहते हैं, और उसके बाद चाहते हैं कि वो फादर ऑफ नेशन के दर्जे पे पहुंच जाए, उसके बाद चाहते हैं आप कि वो इनको हिंदुस्तान का, भारत का उनको मसीहा कहा जाए। आखिर किस बुनियाद पर ये कहा जाता है, जो आदमी टू नेशन थ्योरी दे रहा हो, जो आदमी ये किताब लिख रहा हो हिंदुत्व पे, और किताब में लिख नहीं रहा हो रिप्रोड्यूस कर रहा हो, किताब तो जितेंद्रनाथ बासु ने 1890 में लिख दी थी हिंदुत्व बंगाली लैंग्वेज में, इन्होंने उसको इंग्लिश में लिख दिया, तो उसके जनक ये बन के आए हैं, ये खुद से उतने काबिल नहीं थे। वो मर्सी पेटिशन उनकी तरफ से दी गई थी, पर ये तो हिस्ट्री में हमेशा से रही है बातें, ये इसको किसी के ना कह देने से या हम नहीं मानते कह देने से तो गलत नहीं, ये डिनाई कर रहे थे। लेकिन हिस्ट्री में तो डॉक्टर रहमानी ये भी है ना कि प्रधान, माफ कीजिएगा, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनके साथ संपर्क में थे, उनसे बातचीत हो रही थी, उनको सलाह मशवरा दे रहे थे। प्रोफेसर अवनिजेश कुछ आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं और उसके बाद रतन शर्मा अवनिजेश। मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने मेरे पास रेफरेंस नहीं है, बगैर रेफरेंस के बोल रहा हूँ कि बगैर मेरे पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था 1924 में पहले अधिवेशन में गांधी जी ने इनॉग्रेट किया था आरएसएस को, ये मेरे इल्म में है, मैं इसका कोई रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी टू से। बस अब आप अपनी जय जी बोले। ओके, आपने जय शवस्थ। रूबिका जी नमस्कार। मैं 1925 में स्थापना हुई थी। रहमानी साहब आप पढ़ते रहिए, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते रहिए, अपना ज्ञान जरा बढ़ाते रहिए, अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रहमानी साहब, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में तो आपको ये नहीं लगता ना, उदय महोरकर के बारे में कह सकते हैं आप कि वो अपनी मर्जी से लिख देते हैं, बाबा साहब के बारे में तो ये नहीं कह सकते ना। मैं बाबा साहब अंबेडकर को कोट कर रहा हूं आपकी टू नेशन थ्योरी के बारे में। बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन नामक किताब में 138 नंबर पेज पे, इस संबंध में हिंदू महासभा की विचारधारा को उसके अध्यक्ष माननीय वीडी सावरकर ने सभा के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट किया था। हिंदू महासभा पाकिस्तान के विरुद्ध है और वह उसका सभी साधनों से विरोध करेगी। आगे लिखते हैं हमें यह नहीं मालूम कि कौन से साधन होंगे, लेकिन इसके बाद जो लाइन लिखते हैं वो, तथापि यह कहना माननीय सावरकर के प्रति न्याय नहीं होगा कि भारतीय मुस्लिमों के दावे के बारे में उनका दृष्टिकोण केवल नकारात्मक है। बाबा साहब को अगर आप क्रिटिसाइज और कुछ करना चाहें तो जरूर करें,
आप बाबा साहब को गाली देना चाहें यहाँ पर जो कि उत्तर देते रहे हैं। रतन शारदा एक सवाल मैं बता, मैं दूसरी बात, मैं आती हूँ अभिजय जी एक सेकंड, रतन शारदा जी, मैं ये सारी बातें साइडलाइन करने की कोशिश होती है इस वर्ग के तरफ से, ये कहकर के सावरकर तो कायर थे, वो तो माफी मांगते थे, लिखते थे माफी मांगते थे, लिखते थे माफी मांगते थे, मर्सी पिटिशन, ये वो टैग है जो चस्पा करने की पुरजोर कोशिश होती है। अगला सवाल मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, रूबिका जी मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, रूबिका जी मैं जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने टू नेशन थ्योरी, रहमानी साहब ने उठाया था कि पाकिस्तान का देश का विभाजन करने वाले सावरकर थे, मुस्लिम लीग नहीं थी, उसका जवाब दिया। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, सावरकर खुद लिखते हैं उनके जेल से बाहर आने का कारण क्या था, जो सावरकर के अपने शब्दों में वो दो तीन लाइनें आपको पढ़कर सुना देता हूं। जब भी अपने कमरे के एकांत में मैं कोल्हू चलाता और फिर थक कर चूर हो जाता हूं, मैं हमेशा खुद को इस विचार से सांत्वना देता हूं कि यह सब बर्दाश्त कर लूंगा यदि इसकी सूचना बाहरी दुनिया में असंतोष की आग में तेल का काम करते, मैं जो मैं जानता हूं पूरे देश में जल रही है। उन्होंने कहा कि कब तक मैं इन बेड़ियों में 50 साल तक यहाँ पर करता रहूंगा, बात वही आ गई है ना रतन शारदा, मैं चाहती हूँ आप जवाब दें और उसके बाद मैं चाहती हूँ एक बार ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लूं और उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। रतन शारदा, तस्लीम रहमानी अभी भी इस बात पर इंटरेस्टेड है कि मर्सी पिटिशन दाखिल हुई है सावरकर की तरफ से। देखिए, मर्सी पेटिशन इसको क्लेमेंसी कहते हैं और क्लेमेंसी का ये कानूनी दायरा था जिसके अंदर कई क्रांतिकारी जेल से बाहर है, भारतीय सरकार ब्रिटिश सरकार का ये ऑप्शन था और ऑप्शन को कई क्रांतिकारी ने स्वीकार किया। भाई परमानंद से लेकर बंगाल के कई क्रांतिकारी इसमें बाहर आए, उनके लिए पत्र सावरकर जी ने लिखा, जैसे महारूकर जी ने कहा कि उसमें से कई लोग छोड़ो, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं छोड़ो लेकिन बाकी को छोड़ सकते हो। और जो इस प्रकार की बात करते हैं उनको याद करना चाहिए कि नेहरू जी को नाभा के जेल में केवल एक दिन के लिए रखा था, उन्होंने माफ़ीनामा लेके उनके पिताजी ने उनको बाहर निकाला। तो माफ़ीनामा एक फाइव स्टार जेल में रह के भी जो नेहरू जी डर गए थे जेल में जाने वाले, वो लोग आज अगर उंगली उठाते हैं तो बड़े दुख की बात है। दूसरा, जिन्ना कभी जेल नहीं गए। तीसरा, कोई भी कांग्रेसी काला पानी नहीं गया, इसलिए उनको पता नहीं कि काला पानी है क्या। टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान ने स्थापित की थी, उसका फॉलोअप मोपला राइट्स के दौरान कांग्रेस की आशीर्वाद के अंतर्गत हुआ, जिसके कारण पहली बार पाकिस्तान मस्कुलर और वायलेंस के द्वारा बन सकता है, इसका सपना मुल्ला मौलवियों ने देखा और उसको जिन्ना ने आगे बढ़ाया। तो अगर हम ये देखें सारी कृतियां, और वही सावरकर ने 1857 ये स्वतंत्रता संग्राम की किताब में लिखा कि मुसलमान और हिंदुओं ने लड़कर यह लड़ाई लड़ी और वो उसके पक्षधर थे, लेकिन परिस्थिति बदली जब उन्होंने इस प्रकार का मोपला का सारा एक हालात देखे, उसके बाद में 4 साल लगातार चलने वाले दंगे देखे, उन्होंने काला पानी में वहाँ के मुस्लिम जल्लादों द्वारा की गए अत्याचार और मुसलमान बनाने के प्रयत्न देखे, काला पानी वाले उन्होंने मुसलमान निजामी एक कांग्रेसी नेता का नाम बताइए जिसने काला पानी की सजा काटी, के बाद में उन्होंने कहा ताकि समझ में आए कि काला पानी की सजा होती क्या है और उसके बाद का एक्शन प्लान होता क्या है। सलमान निजामी एक कांग्रेस नेता का नाम जिसने काला पानी की सजा काटी, और ये चाहते क्या थे कि लोग वहीं सड़ जाएं जेल के अंदर, क्रांतिकारी इतने बाहर निकले क्यों नहीं निकलना चाहिए थे, आप चाहते थे कि सड़ते रहते जेल के अंदर, बताइए, चाहते थे कि वहीं पर बर्बाद करते जीवन, ये एक रणनीति लोगों को प्रेरणा देने की, रतन शारदा आप कह रहे हैं ये रणनीति के तहत हुआ। सलमान निजामी, पहला सवाल मेरा, एक कांग्रेस नेता जिसने काला पानी की सजा काटी, और मैं एक और बात बोलूंगा, आपके प्रश्न क्या था रूबिका जी कि फिर इतना विरोध क्यों है, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं उस मुद्दे पर आऊंगी रतन जी, मैं आऊंगी, मैं चाहती हूँ ब्रेक से पहले मेरे सारे मेहमान अपनी बात रख लें और उसके बाद मैं उस दूसरे मुद्दे पर भी आऊंगी। सलमान निजामी जवाब दीजिए, गूगल कर दिया आपने तो अब तक पता चल गया होगा आपको काला पानी की सजा काटने वाला कांग्रेस। देखिए सुनिए रूबिका, बहुत से नेता हैं उसमें, बीजेपी की चाहती है कि हिस्ट्री को वो चेंज करे। नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ चेंज करे। 3260 दिन सलमान निजामी, मैं चाहती हूँ रतन शारदा के मुंह पर ताला लग जाए, अवनिजेश अवस्थी के मुंह पर ताला लग जाए। आप इनको एक के बाद एक नाम गिना दीजिए, ये बार बार वीर सावरकर कर रहे हैं ना, आप इनको नाम गिना दीजिए एक कांग्रेसी जिसने काला पानी की सजा काटी। अरे मौलाना फजल हक हैदराबादी बताइए, मौलाना फजल हक खैराबादी का नाम याद है, सुना है इनको, याद है कौन थे मौलाना फजल हक खैराबादी, कौन थे बताइए ना नाम, मौलाना महाजन इमदाद मक्की कौन थे मालूम है, कहां रहे, किस रतन शारदा को मालूम है,
रहमानी साहब बताइए ना, कांग्रेसी तो गए नहीं, कांग्रेसी कोई गए नहीं है, नहीं गए ना? हाँ, कोई मैं वही सवाल पूछ रही हूँ। मैं मुजाहिदीन आजादी के कांग्रेसी कोई नहीं गया, कांग्रेसी कोई नहीं गया। और इसीलिए सवाल आपसे नहीं, सलमान निजामी से था कि मुझे बताइए ना, जिस तरीके से आप लोग नफरत बयां करते हैं, उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि काला पानी की सजा होती क्या है। सलमान निजामी साहब, मैं ब्रेक ले रही हूँ, फिर कायदे से सुनती हूँ आपकी बात, और थोड़ा गूगल कर लीजिए, हेडक्वार्टर फोन करके पूछ लीजिए, कांग्रेसी जिसने काला पानी की सजा काटी। जब सावरकर ने ये माफी मांगने की शुरुआत की, तब बापू भारत में नहीं थे, वो दक्षिण अफ्रीका में थे, और भारत में उनका कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। पर ये भी समझ में आता है कि राजनाथ सिंह जी को ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उनकी सरकार का और उनका जो पक्ष है उसकी ये नीति है कि अपने को जो पसंद आए उस तरीके से इतिहास लिखें। जी, एक पिटीशन तो गांधी जी ने कहा, ऐसा इसका खत है मेरे पास, उन्होंने 25 जनवरी को एक खत लिखा है सावरकर जी के भाई, छोटे भाई थे उनको, और कहा है कि आप एक पिटीशन दायर करें कि जिसमें सब फलाफाना लिखे। उसके पहले भी सावरकर जी ने पिटीशन किए, 1913 से उन्होंने कुछ पिटीशन किए, मगर ये एक तो मर्सी पिटीशन नहीं, एक दया याचिका नहीं है, ये सभी क्रांतिकारियों को जेल से रिहा करे इस मांग के लिए इन्होंने पिटीशन किए थे। ओके, लौट कर मैं बहस को आ रही हूँ। सलमान निजामी, मैं चाहती हूँ पहले आप अपना वक्तव्य रखें और उसके बाद अभिज्ञान, आई विल कम टू यू। सलमान, देखिए रूबिका, बीजेपी जो है हिस्ट्री को चेंज करना चाहती है और ये नई बात नहीं है। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, ये कह रहे हैं कि भाई कितनी जेलें हमने काटी हैं, सबूत मेरे सामने है कि पंडित नेहरू ने 3260 दिन जेल काटी, महात्मा गांधी ने 2500 दिन से ज्यादा जेल काटी है, और इन्होंने आज साबित कर दिया जो हम सोशल मीडिया पे इनसे बहस करते थे। नहीं सलमान भाई, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, काला पानी, मैं नहीं टोकूंगी, बस मुझे इतना बता दीजिए, जेल और काला पानी की सजा, दोनों में अंतर पता है ना आपको? तो भेजा था मर्सी, और इन्होंने साबित कर दिया कि सावरकर ने मर्सी पिटीशन लिखी थी। काला पानी क्या होता है और जेल क्या होती है? सुनिए मेरी बात, और हकीकत यह है कि महात्मा गांधी जी, जेल और काला पानी के बीच का अंतर क्या है? सलमान निजामी, आपने मुझे ये गिनाया कि फला दिनों तक गांधी जी जेल में थे, फला दिनों तक पंडित नेहरू जेल में थे, अग्री करती हूँ, काला पानी की सजा किस कांग्रेसी ने पाई, कितने दिन तक पाई, मुझे ये बताइए। और अगर आपको अंतर नहीं पता है तो फिर मैं आपसे बहस ही क्यों कर रही हूँ? फिर तो लेवल ही नहीं है, बहस का लेवल ही नहीं है सलमान निजामी। कांग्रेस से पूरे हिंदुस्तान की जेलों में थे कांग्रेसी, हर जेल में थे हिंदुस्तान की। प्रभु, काला पानी और जेल का अंतर पता है आपको? महात्मा गांधी ने, आप मुझे ये बताइए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब वापिस आए थे, और सावरकर ने मर्सी पिटीशन कब फाइल की थी? तब तक दो मैं सारे सवाल के जवाब देने के लिए यहाँ बैठी हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। एक पिटीशन नहीं थी, क्लेमेंसी को लेकर बहुत सारे अलग अलग पिटीशन है, बिल्कुल क्लियर है। मैं यहाँ किताबें लेकर बैठी हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पढ़कर सुना देती हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं इस बात पर। आप मुझे काला पानी और जेल के बीच का अंतर बताइए और मैं पढ़कर सुनाती हूँ। मुझे ये बताइए, यंग इंडिया किसका था? यंग इंडिया किसका था? आज हिस्ट्री की क्लास मुझे लेनी पड़ रही है सलमान निजामी, आप पहले बता देते, मैं पेपर लीक कर देती आपके लिए। यंग इंडिया किसका था? पास पड़ी हुई है, इसमें बताइए कहां गांधी ने लिखा है कि मैंने मेरे पास भी एक किताब है। ये दोनों अपने अपने टाइम के लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके सही यहाँ गलत, यहाँ सही गलत, ना हिस्ट्री इज अबाउट बोथ ऑफ द पहलूज। पहले मुझे ये बताइए, यंग इंडिया में 26 मई 1920 को गांधी जी ने जो लिखा है, मैं पढ़कर सुना रही हूँ। सरकार एवं प्रांतीय सरकारों की वजह से सजा भुगत रहे कई व्यक्तियों को शाही माफी का लाभ प्राप्त हुआ है, परंतु अभी तक कुछ विशिष्ट दोषी हैं जिन्हें छोड़ा नहीं गया है। इनमें मैं सावरकर बंधुओं को गिनता हूं, वह उसी अर्थ में राजनीतिक दोषी है जिनको पंजाब में रिहा किया गया। ये पढ़कर सुना रही हूँ मैं आपको,
मैं और आप चाहें तो बकायदा इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये गांधी ने लिखा है, गांधी किताब फहराने से कुछ नहीं होगा, जो गांधी ने लिखा है उस पर बात कीजिए आप। अभिज्ञान प्रकाश, ये क्या तरीका हुआ कि आपको कोई शख्स नापसंद है, चूंकि आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है तो आप उसे जितना नीचा दिखा सकते दिखा दीजिए। आई डिसएग्री विद दिस। अभिज्ञान देश के तिरंगे को नहीं अपनाया, एक मिनट कोई मूवमेंट करो। सलमान भाई का जी हमसे सवाल पूछने जवाब देखिए, मैं इनफैक्ट ये इनफैक्ट रूबिका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इतनी बहस हुई है पहले भी, और मैं खुद एक रिसर्चर राइटर हूँ तो इसलिए हिस्ट्री पर तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। पहला काम मेरा होगा वो ये कि उदय की किताब को पढ़ूं मैं, क्योंकि ये बड़ा फंडामेंटल पॉइंट होता है कि हिस्ट्री जब भी वक्त के साथ गुजरती है और अलग अलग लेखक लिखते हैं तो उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने आते हैं, और दोनों तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं उसको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। तो इसलिए मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो उदय ने किताब में लिखा है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उदय को मैं सुन रहा था आपके साथ बातचीत में, उन्होंने कहा कि वो इनोसेंट हैं। भाई मेन चार्ज जो पब्लिक डिबेट में है वो कॉन्स्पिरेटर का लगता है सावरकर के ऊपर गांधी जी के असैसिनेशन का। तो उदय ने अभी आपसे बातचीत करते हुए कुछ देर पहले कहा कि वो इनोसेंट है उस पॉइंट पर। अब ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए मैं वाकई मेरे लिए पहली प्राथमिकता भी होगी कि मैं आप इस किताब को लूं कितनी, कितनी शानदार बात और देखूं कि आप जो हैं ना हीरो मानेंगे ना विलन मानेंगे, आप पढ़ेंगे। हिस्ट्री दोनों फैक्ट से चलती है ना, अगर एक इंसान बहुत बुरा है तो उस टाइम पर बहुत अच्छा भी हो सकता है, दोनों पहलू होते हैं हर इंसान के। लेकिन ये कह देना कि नहीं हम तो इसका नाम ही नहीं सुनेंगे, गड़बड़ वहां शुरू होती है। ये जो षड्यंत्र की बात आती गांधी के हत्या को लेकर, मैं उस पर 30 सेकंड में आपकी सफाई चाहती हूँ। इनोसेंट थे, क्या प्रूफ है? देखिए जो केस गांधी हत्या का चला उसके अंदर सावरकर को बाइज्जत बरी किया गया। कपूर कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई उसके अंदर उन्होंने उसको कोई दोष नहीं दिया। अभी दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमीशन बैठी जिसके अंदर उन्होंने उसको पूर्ण रूप से इससे मुक्त किया। और जहाँ तक एक छोटा सा सवाल का, और ये जहाँ तक इंटॉलरेंस की इतिहास बदलने की बात है, इनकी घृणा इतनी ज़्यादा थी गांधी हत्या के बाद में सावरकर के भाई को पत्थरों से मारा गया और उन घावों से मर गए। इन्होंने वहाँ पर हजारों ब्राह्मणों को मारा, संघ के स्वयंसेवकों को मारा, किसी ने सामने जवाब नहीं दिया अपने लोग ये मानकर। तो इनकी घृणा बहुत गहरी है। और गांधी हत्या का फायदा किसको हुआ? नेहरू जी को। नुकसान किसका हुआ? हिंदुत्वी शक्तियों का। उसको मदनलाल पावा के कहने के बाद भी क्यों गांधी जी को कभी सुरक्षा नहीं मिली पता नहीं, गांधी जी को हॉस्पिटल क्यों नहीं लगे क्या पता नहीं, गांधी जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं पता नहीं। अब मैं आखिरी बात कहूंगा कि ये जो सारा घृणा है ये घृणा सावरकर को नहीं, ये भारतीय राष्ट्रवाद को घृणा है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, आप ये कह रहे हैं कि इस घृणा के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अब उन्हीं रीजंस को सामने रखने की बारी एक बार फिर से मेरे ख्याल से आ चुकी है। रहमानी साहब, मेरे पास वक्त की कमी है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी, माफी चाहती हूँ, लेकिन आपकी बात जो है वो अगली ऐसी किसी बहस में पूर्णता रखी जाए मैं उम्मीद करती हूँ। एक जुमला कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में आजादी की जंग कांग्रेस, हिंदू महासभा और आरएसएस ने नहीं लड़ी, लड़ी नहीं है आजादी की जंग इन लोगों ने, इसलिए ये काले पानी भी नहीं गए हैं, और इसलिए इनके आपस में लड़ने से संबंध भी थे। तो आजादी की जंग लड़ने वाले दूसरे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस थे, शहीद भगत सिंह थे, बिस्मिल्लाह खान थे, शहीद अशफाक उल्लाह थे। वही तो मैं कह रही हूँ कि सारी अलग अलग पर्सनैलिटीज थी। ये कह देना कि नहीं जीत तो हमने ही दिलाई है, हिंदुस्तान को आजादी तो हमारे वालों ने ही दिलाई है और इन्होंने नहीं, गड़बड़ हो जाती ना सर। इसे तोड़ना मरोड़ना कहते हैं हिस्ट्री के साथ। ABP News, आपको रखे आगे।